अस्सलामुअलैकुम गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज है ईद उल फितर का दिन। काफ़ी अच्छा दिन होता है, काफ़ी दिल को छू लेने वाला दिन होता है, काफ़ी मज़े का दिन होता है, इंजॉय वाला दिन होता है जो रमज़ान के बाद आता है, आपको पता है। तो अभी इसकी नमाज़ पढ़ने हमने जाने हैं। तैयार शहर हम हो गए थे, लेट हो रहा था, मैंने कहा तैयार हो कि व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तैयार शहर हो गए थे, बाकी मतलब कपड़े पहन लिए थे, जूते नहीं पहने थे। जूतों का ये है कि हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो ईद के जूतों की शॉपिंग मस्जिद में करते हैं, इस वजह से हम नए जूते वगैरह की अभी पहनेंगे। अभी मतलब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेट हो गए हैं, चलते हैं, ठीक है ना यार। जो अभी ईद के लिए बहुत लेट हो गए, ईद करने जा रहे हैं, ऊपर से टाइम काफ़ी कम है। हम ईद की नमाज़ पढ़ के बाहर निकल आए हैं, अभी हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे ही कब्रिस्तान है, मोटरसाइकिल पे हूँ, जाते हैं कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं, दुआ शुआ मांग के मतलब पैदा शैदा करते हैं अपने यकीन के लिए, फिर घर चलेंगे, ठीक है ना। अभी कब्रिस्तान से मैं घर आ गया था, घर आके सबको ईद मिली है। अभी साथ अपने कज़न के घर जाना है, उनको ईद मिलते हैं, फिर आपको सारा सीन बताते हैं क्या है। सैंडल ही पहनते हैं अभी, स्लीपर ही पहने हुए हैं, ठीक है ना। सारों को फिर ईद मिलते हैं, फिर मतलब अपना व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ईद तो ऐसे मिलते हुए अच्छा नहीं लगता, जो फैमिली है उनके साथ व्लॉग भी बनाना चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं ईद किसी सारों को, फिर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। और यार अभी मैं कज़न के घर आया था ईद मिलने, तो ये चेक करें, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें मिली हैं। अगर आप भी ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो इनका चैनल सब्सक्राइब करें, यम्मी चिकन के नाम से, यम्मी चिकन, सॉरी यार यम्मी कॉर्नर नाम है, चिकन नाम ही है, ठीक है ना। ये चेक करें, माशाल्लाह यार सारों के घर मिल के आ गए, थोड़ा बहुत उधर से खाना शाना खाया है, थोड़ा बहुत खाया है, सारों के घर से खाएंगे खाना, ठीक है ना, ताकि सारे खुश हों। तो अभी देखते हैं किधर जाते हैं, पहले सैंडल पहनते हैं ना, उसके बाद चलते हैं, ठीक है ना। और मतलब रिश्तेदारों से घर मिल के जाना है, यही होता है मौके के दिल को, बंदा जितने भी शिकवे गिले हैं ना वो ख़त्म करके ना आपस में मिल के बैठे, ठीक है ना। ये मक्की तंग कर रही है, ये वाला एक अच्छा त्यौहार होता है, ठीक है ना। कासिम इधर हो, इधर इधर हो, ये मेरा कासिम कज़न है, मेरे छोटा है लेकिन मेरे से बड़ा हो गया, चेक करें, ऐसे लगता है कोई। अभी जूते पहनते हैं जो लिए थे हमने, चेक करें कैसे लग रहे हैं, माशाल्लाह मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, ब्रांड के भी ऐसे हैं बिल्कुल सेम टू सेम पहनते हैं, ठीक है ना। चेक करें, ये चेक करें, आपके भाई को अभी तक ये ईदी मिली है, ईदी मिली है, जूते शूते भी मैंने पहन लिए, ये अभी तक ईदी मिली है, भाई ने लिए ये ईदी। तो अभी देखते हैं जूते पहन के अब कहीं जाते हैं बाहर, घूमते फिरते हैं थोड़ा, ईद इन्जॉय करते हैं, ठीक है ना, साथ साथ आपको भी बताते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। ईद तो ईद होती रहती है, बचपन में हम भी जैसे ईद बनाते थे, आजकल के बच्चे भी वैसे ईद बनाते हैं, बल्कि हम थोड़ी इससे ज़्यादा करते थे, ये इनका तो कुछ नहीं है, ये आपस में ही लड़ाई करते हैं, हम तो दुश्मन की चौकियाँ तबाह करते थे, हर महल्ले में एक चौकी बनी होती थी, हम उसको तबाह करते थे। तो ये चेक करें रैम भी, अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ हम कैसे चलाते थे, पकड़ो इसका यार वीडियो बनाओ, अपनी पिस्तौल दिखाओ रैम, अपनी पिस्तौल दिखाओ सामने से, मेरी वीडियो बनाना, ऐसे करते थे और यार मेरे भाई ने भी मुझे ईदी दी थी, मैं अपने भाई को भी ईदी देता हूँ, ठीक है ना। वो मेरे दिल है इसको छोटा, सबसे छोटा नोट होता है ना, क्योंकि छोटी की हर चीज़ वैल्यू होती है, हर चीज़ आज दिन ब दिन छोटी होती जा रही है, तो इसको ये लो, क्यों ले लो ना यार, अब मेरे हाथ में मैंने जो भी निकाला है वही निकला है, ठीक है यार, ये ले ही नहीं रहा, ये ले ऑन ऑन, अभी देखना ऑन ले लेगा, ये देखें ये ऑन ले लिए, सीधे हाथ से मैंने दिए,
ठीक है अब इब्राहिम यार तुम भी ले लेते हैं। अब मैं जो जो मैं जेब में हाथ डालूंगा ना जो जो सा नोट निकला है वो ही दी तुम्हें दूंगा। ठीक है देख लेते कौन सा है। अजार वाला। यार ये इसने ले रही तुमने मेरा ले लिया चलो कुछ नहीं होता। तो भाई ये सब चने बनाए हैं हमने ये पाए बनाए ये मैं खा रहा हूँ ठीक है ना अभी मैं भाई खा रहा हूँ फिर खा के फिर आपसे बात करते हैं ठीक है। हमने अचार गोश्त भी बनाया था ये रह गया था ये भी हमने बनाया ठीक है ना। तो अभी मैं खाना खा के अभी अपने एक कजन के घर जा रहा हूँ मेरे साथ ये देखिए इब्राहिम भी है। रोड काफ़ी अच्छा खाली खाली सा है बस ईद वाले दिन ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आता है। अभी जाएंगे वहाँ जाके कुछ खाए पियेंगे ठीक है ना। वैसे तो नहीं है बहुत शुक्र नहीं है और बस दिल रखने के लिए खाएंगे सही है ना। तो दिल रखने के लिए खा लेना चाहिए ईद मिलेगी उनसे उसके बाद तारों के घर जाएंगे ईद मिलेंगे मूसा के घर भी जाएंगे ठीक है ना। तो अभी चलते हैं पहले ठीक है हम कज़न से मिल शिल के अभी सारे मिल जुल के निकले हैं अभी वापस ये चेक करें मूसा है माद है अकबर है हसन है उसामा है और मैं हूँ ठीक है ना। यार मौसम बड़ा प्यारा होया हुआ है इस मौसम प्यारे मौसम में घोड़े अभी जा रहे थे और बारिश भी हो रही है माशाल्लाह अच्छा मौसम है रेनबो निकलेगा ठीक है ना। ये चेक करें रोड ही खाली खाली है बहुत प्यारा लग गया है ड्राइविंग करने में इस रोड पे याद है मूसा खाली रोड था तू मैं और उसामा थे क्या हुआ था। देर महफल के बाद अभी देखिए हम इधर घर आ गए थे अभी मौसम भी चेक करें माशाल्लाह ये चेक करें बारिश हो रही है काफ़ी अच्छी रेन हो रही है रेन काफ़ी मज़े की रेन हो रही है माशाल्लाह दिल गार्डन गार्डन हो गया है अभी इंजॉय करने वाला मौसम हो गया है। लेकिन ईद पे बारिश ना ही हो हल्की हल्की बल्कि बूंदाबांदी सी हो ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। अभी इतनी तेज बारिश हो गई है मैं बाहर निकलूँगा मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे बेहतर है मैं गा रही रहूँ ठीक है ना। अभी मैं गा रही हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा जहाँ मैं गया ठीक है ना। भाई सीन कुछ ऐसा है कि बारिश की वजह से आज का प्रोग्राम तो बढ़ गया चेक करें अभी तक बारिश हो रही है। अभी मेरे पास बाइक है ना फिलहाल गाड़ी नहीं है मेरे पास तो इस वजह से अभी व्लॉग को एंड करते हैं इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे तब तक के लिए हाफिज़।